दोस्तों फुल सॉन्ग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉपीराइट की वजह से म्यूजिक बंद कर रखा है। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक और न्यू ट्रेंडिंग वीडियो लेकर। तो जिस वीडियो को आपने अभी अभी मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, ये वीडियो टिकटॉक पर किसी ने भी नहीं बनाया है। अगर आप कुछ इस तरह का यूनिक कंटेंट बनाते हो तो आपकी वीडियो वायरल होने के बहुत ही ज्यादा चांस है, क्योंकि टिकटॉक पर यूनिक कंटेंट ही वायरल होते हैं। तो इससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे YouTube चैनल ASR की टैग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी TikTok पर कुछ लाइक और फॉलोअर बढ़ा सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका 1 लाख आपके भाई को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। और साथ ही से कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। तो इसके लिए आपको बिहाइंड द सीन वीडियो शूट करनी है वो कुछ इस प्रकार से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लेना है, और आपको ये वीडियो जरा भी स्किप नहीं करनी। अगर आप ये वीडियो स्किप करते हो तो आप ये वीडियो पूरी तरीके से नहीं बना पाओगे। तो चलिए चलते हैं, मैं मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर वहीं पर चलकर मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो को एडिट कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पावर डायरेक्टर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपको एस्पेक्ट रेशियो लेना वो लेना 9.16 का। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ से कलर बोर्ड सिलेक्ट करना है, और इस कलर बोर्ड का साइज़ आपको 10 सेकंड तक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी गैलरी में से उस वीडियो को लेना जो आपने बिहाइंड द सीन शूट की थी। फिर इस वीडियो लेयर पे टैप करना, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर दे रहा है, और इस वीडियो लेयर पे टैप करके इसे स्क्रीन के साइज़ में कर लेना है। और इस वीडियो में आपको वहाँ तक देखना जहाँ तक आपने एक्टिंग की है। तो मैंने यहाँ तक एक्टिंग की, आपको यहाँ पर एक कट लगाना है और इस सारा को डिलीट करना है। इसके बाद आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। फिर इस वीडियो लेयर पर टैप करना है, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके वॉल्यूम को ऑफ कर देना है। फिर इस वीडियो लेयर पर टैप करना है, फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसके फेड को ऑफ कर देना है, और इस वीडियो लेयर पर टैप करके इसे स्क्रीन के साइज में कर लेना है। फिर आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना, क्रोमा की पर क्लिक करना है, और जो की कलर वो ग्रीन सिलेक्ट करने के बाद आपको इस जगह पर रखकर दबा देना। यहाँ से कलर एडजस्ट कर देना है, 24% कर देना कलर रेंज को। फिर वीडियो प्ले करनी है। तो आप देखो हमारी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है। फिर आपको एरो वाले निशान पर टैप करना है, प्रोड्यूस वीडियो पर क्लिक करना है, सेव टू गैलरी पर क्लिक करके प्रोड्यूस पर क्लिक कर देना है, या आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी टिकटॉक पर कुछ लाइक और फॉलोवर बढ़ा सकें। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ट्रेंडिंग वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। और साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।